माता रानी के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, हम सबका प्रणाम। निशा। मैं निशा नहीं, अंजलि हूँ। दैया रे दैया, ये लड़का कुछ बताया नहीं और शादी करके लेके आया। मैं जरा मायके जा रही हूँ तुम्हारे दादा के साथ एक हफ्ते के लिए। और बहू अकेली है, घर में तंग मत करना। हाँ, रोते बिछड़ते हम मिलते ही रहना, इश्क दी अपनी किताबें देखते ही रहना। छूटने से छूटे नहीं, टूटने से टूटे नहीं, तेरा मेरा प्यार मेरा साथी, मेरा यार। बिरजू भैया गुल्ली डंडा खेलने वाले हैं। हाँ बिहारी, तूने सही कहा। नया नया शादी करके आया है और वो दोस्तों के साथ खेलने में मस्त हो गया है। सेठ बड़ा ही मालदार पार्टी है। जेवर और गहने पहने हैं ना, बहुत कीमती हैं। बहुत जल्द इनका काम तमाम करना पड़ेगा। पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा सामान रातों रात वहाँ से आखिर गायब कैसे हो गया। चोरों के घर चोरी। अरे ये तो पता है, वो शादी करके लेके आया है। सुना है उसके मायके बहुत गरीब है, फिर भी सोना चांदी कपड़ा लत्ते भर के लाई है। इतना महंगा कंगन ठीक नहीं है क्या? आप लाए हो तो ठीक है, चलो पहना दो। वो देखो रवि भैया, अपना सामान सब पहनी हुई है। तू टेंशन मत ले, इसका जवाब तो हम ढूंढ के रहेंगे। भैया आपको हमेशा अपने बिजनेस की चिंता रहती है, घर पे क्या हो रहा कभी आपने सोचा है? तुम्हारे दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है अंजलि, पर इसका बदला तुम लोगे। तुम्हारा पति है ना, वो हमेशा हमारा काम चौपट कर देता है। चल मंगल, अब जश्न मनाते हैं। निशा, मेरा साथी, मेरा यार, मेरा साथी, मेरा प्यार।